हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि यूपीपीसीएल जूनियर इंजीनियर यानी उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड जेई का ऑनलाइन फॉर्म आ चुका है 2020 का। तो इसकी क्या योग्यता है, इसको फॉर्म भरने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए और कैसे फॉर्म को भरा जाए, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हम यहाँ पर लेटेस्ट जॉब सरकारी रिजल्ट पर आ चुके हैं और फर्स्ट पर यूपीपीसीएल जूनियर इंजीनियर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको नीचे यहाँ पर उसकी योग्यताएँ दिया है और कितना लगेगा फॉर्म का फीस, वो सब डिटेल्स दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए इम्पोर्टेंट डेट्स, यानी 4 तारीख 2020 को दिसंबर में यह शुरू हुआ फॉर्म है। और अगर यदि आप जनरल हैं या ओबीसी हैं तो आपका 1000 रुपये लगेगा इस फॉर्म के लिए, और यदि आप एससी एसटी हैं तो 700 रुपये, यदि पीएच है तो 10 रुपीज़। और नीचे एज लिमिट दिया है, आपकी एज जो है वो एज 18 से 40 के बीच में होनी चाहिए, मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम 40। और वैकेंसी 212 पोस्ट इसकी वैकेंसी आई है, टोटल 212 की पोस्ट का नाम जेई इंजीनियर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिक, यानी कि 191 पोस्ट जूनियर इंजीनियर जेई की है और जूनियर इंजीनियर जेई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नो टेकोमिकेशन 21 इसकी है। देयर आर 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकोम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। और नीचे दिया है कैटेगरी वाइज वैकेंसी, यानी यदि आप यूआर ओबीसी के हैं तो ओबीसी की 25 वैकेंसी आई है, और एससी हैं तो 60 वैकेंसी है, और एसटी हैं तो 4, और टोटल 191 हैं। और नीचे दिया हुआ है जेई इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन का, यदि आप ईडब्ल्यूएस की कोई वैकेंसी नहीं है, ओबीसी में 14 है, एससी में 06 और एसटी में 0, टोटल मिलाकर 21 है। तो इस फॉर्म को आप 28 दिसंबर 2020 तक भर लीजिएगा। 4 दिसंबर से शुरू आया है और 28 दिसंबर तक के बीच यह भरा जाएगा फॉर्म। आपको भरने के लिए यहाँ पर नीचे आ जाना है और यहाँ अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिया है, उसके बगल में क्लिक हियर का ऑप्शन दिया है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ फॉर्म की आपके पास एक ऐसी नोटिफिकेशन आएगी और इसको आप पढ़ लीजिएगा और यहाँ पर आई एग्री करके स्टार्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, प्रोसेसिंग के बाद आपको नीचे यहाँ पर एक नोट देगा, इस नोट को इंट्रोडक्शन के तौर पर दिया हुआ है तो इसको हम क्लोज कर देंगे। और नीचे आने के बाद अपना नाम डाल करके और यहाँ पर मोबाइल नंबर, कंफर्मेशन मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ईमेल और कंफर्म ईमेल आईडी डाल करके यहाँ से लॉगिन होना पड़ेगा, उसके बाद सबमिट करके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों, फ़िलहाल इस फॉर्म को मैं अभी भर कर नहीं बताऊँगा, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूँगा, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। धन्यवाद।